भी बड़ा होता है। बलवृद्धा कोई बल में भी बड़ा होता है। आयु वृद्धा स्तुति वचन कोई आयु में भी बड़ा होता है। लेकिन ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धस्य, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वो हमेशा के लिए सम्मान करने के लायक, पूजने के लायक होता है। हम प्रणाम इसलिए सर। उम्र का लिया उम्र को कोई लेना देना नहीं। सत्संग करने की, भक्ति करने की कोई उम्र होती है क्या? पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, ऐसे भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। आसपास कथा हो रही हो तो लोग बहाना करते, कई कथा में जाऊं महाराज मार के घर में इतना काम पड़ियो कि मरवा की फुर्सत कौन कौन किसी से बोल के देखना। कथा हो रही है पधारो ना तो माता है कह देगी कई कथा में जाऊं महाराज तो घर में इतना काम पड़ियो कि मरने की फुर्सत है ही नहीं। एक बार मैं कहीं कथा कर रहा था, माता जी से हमने कहा माता इतनी पास में कथा हो रही आप आती नहीं हो? माता जी वही हिस्सा पिता जवाब दे रही है, हमारा घर में इतना काम बहू करती नहीं, हमें करना पड़ता है। मर गए हमें मरने की फुर्सत नहीं होने का। माता जी एक बात बताओ, आपको मरने की भी फुर्सत नहीं है, लेकिन सपोज करो कल्पना करो गलती से अगर आपकी मृत्यु आ गई तो क्या करोगे? माता जी बोले कैसी बात करते हो महाराज, ऐसे थोड़ी आ जाएगी। मैंने कहा मान लीजिए आ जाए तो भगवान करे आप खूब जियो, लेकिन फिर भी आ जाए तो। माता जी बोली महाराज यदि मेरी मौत आ गई तो मैं कह दूंगी यदि सुन मुझे अभी मरने की भी फुर्सत नहीं है, मेरे घर में बहुत काम पड़ा है, मुझे मरने की फुर्सत नहीं है, लेकिन सुन मेरी पड़ोसन बिल्कुल फुर्सत में कोई काम नहीं है ले जा। क्या भाव प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। ये भाव नहीं होना चाहिए। मौत का कोई भरोसा नहीं। जीवन मौत का खेल है पगले काहे करो ना धोना। एक लाइन गाऊंगा ये जीवन मौत का खेल है पगले काहे करो ना धोना। और जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। सिंहासन पर आरूढ़ होकर जाता है तो कोई जंजीरों से युवतियों के द्वारा खींचा जाता है, जो आया है उसको जाना ही है। हमारे परमात्मा है वो भी आए और चले गए, अपना काम किया चले गए। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। सूत जी महाराज का बड़ा सम्मान किया और स्वर्गदीर से बोले सूत जी महाराज एक बात कहें, ज्ञानी वही सबसे ऊंचा होता है जो कभी भी किसी को अज्ञानी ना समझे। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि हम ही हैं वो सब, हमारे आगे कोई नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वही ऊंचा है जो किसी को अज्ञानी समझे ही नहीं। संत वही सबसे उत्तम है जो कभी अपने आप को संत बोले नहीं, समझे ही नहीं।
सूजी महाराज को सुंदर आसना दिया, आते से मस्जिद गेड़ और यहाँ निष्पक्ष भाव से इन सुनकर दीदीसियों ने अपने मन की बात बोल दी सूजी महाराज से, क्योंकि क्योंकि महाभारत में लिखा है ये बात दो बार आई है, सुखदेव भगवान पधारेंगे जब भी ये बात आएगी। संत यदि जीवन में आवे तो महाभारत में लिखा है संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग आ जाते हैं मिलने, महाराज बहु आए 10 साल हो गए, पोता तो महाराज कहां से देंगे, प्रेम से बोलो ना शिराग है फैक्ट्री में बहुत घाटा जा रहा तो महाराज पूरा करेंगे। फिजूल के फालतू के प्रश्न संतों से ना करो, जब भी संतों से मुलाकात हो जब भी बैठो संतों के समक्ष उनके सानिध्य में एक ही प्रश्न करो, हमें परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। महाराज लोग आप कथा करते हैं, आप सुनते हैं, आप भ्रमण करते रहते हैं, आपके जीवन में तो बहुत आनंद बहुत मस्ती है, तो ये मस्ती हमें कैसे प्राप्त होगी, वो उपाय पूछो। फिजूल के प्रश्न नहीं, सुंदर बात कही है कि ज्ञान भंस विध्वंस कोटि सुज सम प्रभ सूताख्या ही कथा साधन मम कर्ण रसायन। हमारे जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है सुख जी महाराज, उस अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आप कोटि सूर्य समप्रभा करोड़ों सूर्य के समान है। हमारा ये अज्ञान दूर करिए और हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए कैसी, श्री सामने भवे श्रेय पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिं करमनं शश्वत साधनं तद्वदाधुनः। जो श्रेष्ठ को भी परम श्रेष्ठ बनाती हो, पवित्र को परम पवित्र करने वाली हो, और जो राम और कृष्ण प्राप्ति कर्म शश्वत परमात्मा से मिलाने वाली हो, उनकी भक्ति प्रदान करने वाली हो, ऐसी कोई कथा हमें सुनाओ सुनाओ। पवित्र को कोई परम पवित्र बना दे। सूजी महाराज बोले काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। काल व्याल मुख ग्रास, एक बहुत बड़ा अजगर सांप है, ये संसार को सूत जी ने अजगर सांप कहा है, और इस संसार रूपी अजगर के मुख में हम लोग संसार के जीवात्मा बैठी हैं, तो हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है, जब तक वो अजगर रूपी सर्प अपना मुख बंद न कर ले। जब उसने मुख बंद किया तो हमारे नाम नाम सत्य है, हम तभी तक सुरक्षित हैं जब तक वो मुख बंद नहीं करता। उस अजगर रूपी सर्प के मुखारविंद से बचाने का भी यदि कोई उपाय है तो केवल और केवल गोविंद की कथा है। सूत जी बोले, बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बोले, जिस कथा को मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये कथा तो कभी कभी देवताओं को भी दुर्लभ हो जाती है। ये भक्तान सुज विज्ञाय नदनों सकथा मतुन श्रीमन भागवती वार्ता सुराणाम अपी दुर्लभा। सुराणाम अपी दुर्लभा,
देवताओं को भी दुर्लभ है ये कथा, भागवत की राम कथा ही आदि। जब सुखदेव भगवान राजा ऋषि परीक्षित को अमृत पिला रहे थे, कथा रूपी अमृत, देवताओं को पता चल गया कि 7 दिन के बाद परीक्षित मर जाएंगे, तक्षक नाम के सर्प के डसने से मृत्यु हो जाएगी। तुरंत घर से स्वर्ग वाला अमृत का कलश लिया और आ गए। Thank you.